नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज। खबर सिरोही से है, जहां शिवगंज पुलिस अधीक्षक के रूप में सिरोही में पदस्थापित होने के बाद जय यादव पहली बार शिवगंज आए। पुलिस थाने में उन्होंने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों तथा प्रबुद्ध नागरिकों से सीधे संवाद किया तथा समस्याओं से रूबरू हुए। पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं के निराकरण के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा पैदल बाजार में भ्रमण कर व्यवस्थाओं को जांचा और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापारियों से सहयोग की अपील की। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरजीत सिंह, उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल, पुलिस उप अधीक्षक विक्रम सिंह सहित शाम करीब 5 बजे पुलिस थाना पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल, तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय तथा पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने उनकी अगुवाई की। बिना कोई औपचारिकता के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने व्यापारियों सहित नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से उनका परिचय प्राप्त किया तथा समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। जैसे सुझाव दिया कि ट्रैफिक की वो बढ़ा दिया जाए, नफरी बढ़ा दी जाए, वो तो हम 2 आदमी बढ़ा दें, 4 आदमी बढ़ा दें, लेकिन जैसे एक आप लोगों में से किसी ने बताया था, बहुत अच्छा बोला था कि जब तक अपने अंदर कोई सेंस नहीं होगा, ट्रैफिक सेंस, जब तक कितने भी अगर हम 100 आदमी भी लगा दें तब भी कुछ नहीं हो सकता जब तक अपने अंदर ट्रैफिक सेंस नहीं आएगा। कभी भी कोई चीज़ होती है अंदर से जब तक नहीं आती तो उसका अच्छा परिणाम जब ही आता है जब हम सब खुद मिलके किसी चीज़ को करने की सोच लेते हैं कि हमें खुद बनवाना है। एक ये जैसे ट्रैफिक के बारे में आप लोग बता रहे थे कि ये व्यापारी हैं, आप लोगों को गाड़ी लानी पड़ती है अंदर, कि जैसे कोई सामान लेने जाना है, तो आपके साथ वो काम करने वाले भी होंगे, आपके व्यापार में वहाँ दुकानों पर काम भी करते होंगे, वो भी अपनी गाड़ी अंदर लाते होंगे, लाते हैं आप लोग, तो उनको गाड़ी लाने की क्या जरूरत है, वो कोई सामान लेने थोड़ी जाते हैं, एक ही गाड़ी से जाएंगे सामान लेने के लिए, तो उनको तो हम बाहर पार्किंग करा सकते हैं उन लोगों की, उसमें कोई समस्या है।